देश की लगातार बढ़ रही खाद्य तेलों की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत सरकार व्यापक स्तर पर कार्य कर रही है। तिलहन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए ही भारत सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तिलहन योजना के तहत कई कदम उठा रही है, जिससे खाद्य तेलों की उपलब्धता और तिलहन फसलों के उत्पादन में वृद्धि हो। इसी कड़ी में 2021 में रबी फसल के दौरान भारत सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान समेत देश के कुछ राज्यों में हाइब्रिड सरसों के बीज वितरित किए और किसानों को इसकी खेती के लिए प्रोत्साहित किया। देश में सरसों की खेती सबसे अधिक राजस्थान में ही होती है। राजस्थान के अलवर के ग्राम गारू के रहने वाले किसान गोविंद प्रसाद शर्मा ने भी इन हाइब्रिड बीजों से सरसों उगाने का फैसला किया, जो आगे चलकर उनके लिए समझदारी का निर्णय साबित हुआ। इस साल 21-22 में मैं कृषि अधिकारियों से मिला, उन्होंने मुझे उच्च गुणवत्ता वाले बीज मुझे उपलब्ध कराए, उनके बारे में जानकारी दी और पहले से अधिक मुनाफा हुआ, जिससे मेरे सारे घर के खर्चे पूरे हो गए और मैं अपनी खुशहाल जिंदगी जी रहा हूँ। गोविंद प्रसाद शर्मा के साथ साथ उनके गांव के अन्य किसानों ने भी हाइब्रिड सरसों को उगाने का फैसला किया था, जो आज आर्थिक सशक्तिकरण की राह पर चल पड़े हैं। इस हाइब्रिड सरसों ने तो हमारी किस्मत ही चमका दी। हाइब्रिड सरसों की खेती से जुड़कर किसान तो खुश हैं ही, देश भी तिलहन फसलों के उत्पादन में आगे बढ़ रहा है। 2020-21 में देश में 102.10 लाख टन सरसों का उत्पादन होता था, जो 2021-22 में बढ़कर 117.54 लाख टन हो गया है। देश को तिलहन में आत्मनिर्भर बनाने में राजस्थान के ये किसान अपना अहम योगदान दे रहे हैं।